नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा सफल किए गए मिशन लोटस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत और उद्धव सरकार पर आए संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस किस तरह से चुपचाप सक्रिय थे, इस बारे में उन्होंने खुलासा किया है। अमृता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अक्सर रात को वेश बदल कर निकल जाते थे और कई बार तो ऐसी वेशभूषा में दिखते थे कि उन्हें वे स्वयं पहचान नहीं पाती थी। अमृता फडणवीस ने कहा, देवेंद्र रात में कपड़े बदल कर एकनाथ शिंदे से मिलने जाते थे। वो अलग अलग कपड़े और आंखों पर बड़ा सा गॉगल पहनकर घर के बाहर निकल जाते थे। अमृता फडणवीस ने कहा कि कई बार मैं भी उन्हें नहीं पहचान पाती थी। खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सत्ता संघर्ष के दौरान जब भी विधायक सो रहे होते थे तो वह देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते थे। अब अमृता फडणवीस ने उससे भी आगे बढ़ते हुए अहम खुलासा किया है। महाराष्ट्र की नवपदस्थ एकनाथ शिंदे सरकार में फिलहाल दो ही लोगों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार का जार है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एकनाथ शिंदे सरकार को संभवतः कोई झटका नहीं लगेगा। ऐसे में अब भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के मामले में भाजपा ने त्याग की मिसाल तो पेश की है, लेकिन इस त्याग की कीमत वह भारी मंत्रालय अपने पास रखने के रूप में वसूल करेगी। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भले ही पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर त्याग दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन विभागों के बंटवारे में वह अपर हैंड चाहेगी। चर्चा है कि भाजपा के खाते में वित्त, राजस्व और गृह मंत्रालय रहेंगे। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय और सड़क मंत्रालय एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद आसीन होने के उपलक्ष्य में एनवीसीसी के पदाधिकारी मंडल ने फडणवीस के कार्यालय में सदिच्छा भेंट देकर विदर्भ के व्यापारियों की ओर से हार्दिक बधाई देकर अभिनंदन किया। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेंबर की ओर से दुपट्टा व पुष्पगुच्छ देकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई दी एवं चेंबर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें आशा सहित पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग विदर्भ के व्यापारियों को हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को व्यापारियों का मार्गदर्शन करने हेतु चेंबर में आमंत्रित किया। देवेंद्र फडणवीस ने चेंबर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जल्द ही भविष्य में चेंबर को भेंट देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सभा में चेंबर के सर्वश्री अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया, उपाध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा, कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी, सहसचिव राजवंत पाल सिंह तुली, दीपक अग्रवाल व जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सारडा उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण सेवा संघ अयोध्या नगरी महाराष्ट्र प्रवेश द्वारा आयोजित श्री शिव शक्ति मित्र मंडल शांतिनगर नागपुर चलो अमरनाथ यात्रा का शिव भक्तों का पहला जत्था नागपुर रेलवे स्टेशन से हनुमान चालीसा पाठ और पुरोहित द्वारा पूजा अर्चना कर रक्षा सूत्र बांधकर स्वागत सत्कार कर प्रसाद स्वरूप मिठाई खिलाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामकृष्ण सेवा संघ अयोध्या नगरी के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख सत्य प्रकाश मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष संजय मिश्रा, राहुल मौर्य, महाराष्ट्र प्रचारक रतन मौर्य, उत्तर प्रदेश संरक्षक सुशांत तीनगुरिया, महाराष्ट्र प्रवेश मीडिया रिपोर्टर विजय मौर्य, नागपुर जिला अध्यक्ष विशाल सिन्हा, नागपुर जिला महामंत्री मेघनाथ साहू, नागपुर जिला उपाध्यक्ष अवधेश मौर्य, नागपुर शहर सचिव उपस्थित थे। आचार्य दिवाकर पांडे एवं आचार्य रवि पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु चंदन सुवरानी, कमलेश धनवानी, विजय मौर्य, दीपक जैन, टिकमदास परपवानी, कमल मुलजी, रमेश फुलवानी का अथक प्रयास रहा। लायंस क्लब नागपुर साउथ द्वारा 1 जुलाई 2022 की शाम को होटल एलबी में नए लायनिस्टिक वर्ष 2022-23 का भव्य स्वागत किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद की शपथ लेने के बाद मॉन्ट्रियल कनाडा से डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला मंगला कुमार के साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF श्रवण कुमार के आगमन ने इस क्षण को और गौरवशाली बना दिया। निर्वाचित अध्यक्षा लायन सुरेखा कुलकर्णी ने अपने स्वागत भाषण में लायंस क्लब नागपुर साउथ के साथ मिलकर नए लायनिस्टिक वर्ष का जश्न मनाने के लिए सभी को धन्यवाद एवं बधाइयां दी।
उन्होंने समारोह और अभिनंदन कार्यक्रम के लिए सीधे हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए डीजी श्रवण और मंगला मैडम को भी धन्यवाद दिया। साथ ही सुरेखा कुलकर्णी ने सभा में उपस्थित डॉक्टर्स, सीए एवं कृषि से जुड़े सभी सदस्यों के अलावा सभी को उनके द्वारा देश समाज के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों और सेवाओं के लिए उनके विशेष दिन पर बधाई दी। कार्यक्रम संयोजक लायन अरुण कुलकर्णी ने उपस्थित सभी उत्साही लायन साथियों को लायंस क्लब ऑफ नागपुर साउथ द्वारा शाम के लिए आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एमजेएफ श्रवण कुमार और मंगला कुमार को अध्यक्षा लायन सुरेशा कुलकर्णी, पीडीजी एमजेएफ विजय पालीवाल, संयोजक लायन अरुण कुलकर्णी और पीएमजेएफ अंजना पालीवाल के हाथों माल्यार्पण किया गया। एलेक्सिस हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद के द्वारा डॉक्टर्स डे, सीएमई एवं न्यू मेंबर ओरिएंटेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पीडीजी लायन चंद्रकांत सोनटक के रीजन चेयरपर्सन लायन डॉक्टर विरल शाह ने क्लब के सदस्यों को मार्गदर्शन किया। प्रस्तावना पर भाषण क्लब की अध्यक्षता डॉक्टर पार्वती राणे ने दिया। उन्होंने नए सदस्यों को प्रशिक्षण का महत्व समझाया। सचिव डॉक्टर भावना भलमे ने मान्यवरों का आभार माना। डॉक्टर डे सेलिब्रेशन के अवसर पर लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद की ओर से एलेक्सिस हॉस्पिटल के डॉक्टर पुनीत जिंदल, डॉक्टर ऋषि लोहिया एवं डॉक्टर अभिषेक वानकर का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। उन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की। इसी तरह एलेक्सिस हॉस्पिटल की ओर से लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद के सदस्य, जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की तथा एलेक्सिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर महामारी पर काबू पाने में योगदान दिया, उनकी सराहना की गई एवं उनका सत्कार भी किया गया। डॉक्टर गोविंद असाटी, डॉक्टर मृणालिनी, डॉक्टर मंगेश भलमे, डॉक्टर देवदत्त खोबरागड़े एवं डॉक्टर प्रशांत गनोरकर को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रकल्प अधिकारी डॉक्टर संजय थटेरे ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लायन सतीश राणे, निरंजन जोशी, अनिकेत धुमाल, देवदत्त डॉक्टर, अमिता खोबरागड़े, डॉक्टर शरद ठाकुर, डॉक्टर कारिया, डॉक्टर बारस्कर आदि ने अथक प्रयास किए। एशिया के सबसे लंबे और सबसे अधिक मेट्रो स्टेशन की परियोजना में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत वर्धा महामार्ग पर डबल डेकर फ्लाईओवर तथा 3 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन और डबल डेकर फ्लाईओवर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में 10 जुलाई को सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन के कन्वेक्शन सभागृह में एशिया तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा महामेट्रो के पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि डबल डेकर परियोजना का निर्माण संयुक्त रूप से महामेट्रो और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। मेट्रो रेल के सिंगल कॉलम पियर्स पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का निर्माण किया गया है। परियोजना के प्रारंभ में स्वतंत्र पिलर का निर्माण किया गया। इसके बाद डबल डेकर वायडक्ट बनाने के लिए NHAI और मेट्रो रेल का काम एक साथ करने का निर्णय किया गया। डबल डेकर वायडक्ट पहले स्तर पर हाईवे फ्लाईओवर और दूसरे स्तर पर मेट्रो रेल का संचालन से जमीनी स्तर के मौजूदा महामार्ग सहित 3 स्तरीय यातायात व्यवस्था का निर्माण होने से वर्धा महामार्ग पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी होगी। हाल ही में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के नवनियुक्त प्रांतपाल MJF लायन श्रावण कुमार ने रीजन 4 के रीजनल चेयरपर्सन के पद पर लायन सारंग ढोक की नियुक्ति की गई है। दरअसल लायंस क्लब में रीजन चेयरपर्सन पद यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है। लायन सारंग ढोक इन्हें नागपुर के 12 क्लबों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें लायंस क्लब नागपुर समर्पण, ग्रीन सिटी, स्नेह धागा, 7 स्टार, रॉयल विजन, वरुड सेंटेनियल, मेडिकोस, हेरिटेज, ऑरेंज सिटी, सेवा, हिंगना होरिजन का समावेश है। सभी क्लबों को सुचारू रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी क्लाइंट सारंग ढोक की होगी। इसमें 3 जोन चेयरपर्सन भी कार्य करेंगे। इन 12 क्लब में लगभग 450 से ज्यादा नागपुर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति समाज सेवा का कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं। लायन सारंग ढोक ने बताया कि वे निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे एवं प्रांतपाल के निर्देशों का पूरा पालन करेंगे। सभी 12 क्लबों के सदस्यों को जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्लाइंट सारंग ढोक इससे पहले लायंस क्लब नागपुर समर्पण के चार्टर अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट PRO, जोनल चेयरपर्सन एवं कैबिनेट ऑफिसर के तौर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल में सक्रिय रूप से कार्य कर चुके हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सभी की नजरें कैबिनेट विस्तार पर लगी है। कैबिनेट विस्तार के बाद ही विभागों का बंटवारा होगा।
इस बीच पिछले महीनों से आंदोलन करने वाले संगठनों की चिंता बढ़ गई है। राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सों द्वारा मई जून में आंदोलन किया गया था। प्रशासन ने 45 दिनों के भीतर सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन हेडलाइन करीब आने के बाद भी कोई हलचल न होने से नर्सों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सरल सेवा भर्ती, प्रशासकीय तबादलों पर रोक, विनती बदली करने, रिक्त पद भरने जैसी तमाम मांगों को लेकर राज्य भर में नर्सों ने हड़ताल की थी। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। करीब सप्ताह भर बाद वैद्यकीय शिक्षा मंत्री ने संगठन को चर्चा के लिए बुलाया था और 45 दिन के भीतर मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही नर्सें काम पर लौटी थी। वैद्यकीय शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई डेडलाइन अब करीब आ गई है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां बदल गई है। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन के नागपुर सचिव जुल्फिकार अली ने बताया कि मंत्रालय स्तर पर मांगों के लिए सतत रूप से फॉलोअप किया जा रहा है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल पहले ये कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 632 शिकायतें प्राप्त हुई है। अब तक 10 जोन में 436 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 81 शिकायतों में से 41, धर्मपेट जोन में 61 में से 51, हनुमान नगर जोन में 249 में से 205, धंतोली जोन में 69 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 46 में से 26 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। मनपा अधिकारियों ने इस कामयाबी पर संतोष जताया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से इसका सीधा असर निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस संदर्भ में मुहर नहीं लगी है, लेकिन 9 जुलाई को घोषित होने वाली अंतिम मतदाता सूची की प्रक्रिया 7 दिनों तक के लिए टाल दी गई। इस संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। बुधवार को आयोग की ओर से किए गए आदेशों के अनुसार अब महानगर पालिकाओं में 16 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची घोषित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर अटके स्थानीय निकाय चुनावों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की थी। आलम यह है कि इसके पूर्व दिए गए आदेशों के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची पर 1 जुलाई तक ही आपत्तियां दर्ज की जा सकती थी, किंतु राज्य की सत्ता को लेकर हुई उठापटक के बीच राज्य चुनाव आयोग ने 3 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज करने का समय बढ़ा दिया है। जानकारों के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने के बाद इसमें सुधार करने के कुछ ही अधिकार महानगर पालिका के पास है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण नागपुर रेलवे स्टेशन के बड़े अपग्रेडेशन के लिए तैयार है। RFP आमंत्रित किया गया है। इच्छुक कंपनियां अपना दावा पेश करेंगी, इसके बाद प्लानिंग तैयार है। तैयार प्लान को कंपनियों को धरातल पर लाना होगा। प्लानिंग काफी आकर्षक और शानदार है। बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग की भरमार है तो प्लेटफॉर्म को ढकने का भी पूरी तैयारी है। प्लेटफॉर्म में आने जाने के लिए FOB भी शानदार तरीके से बनाए जाने की योजना रखी गई है। कुल मिलाकर जो प्लानिंग तैयार है उसे अमली जामा पहनाने से यात्रियों को भारी सुविधाएं मिलेगी। इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के लिए 536 करोड़ रुपए का निवेश दिया गया। प्रस्तावित डिजाइन को देखें तो नागपुर और कॉटन मार्केट स्टेशन को जोड़ने की भी योजना है। इसके लिए 2 FOB बनाए जाएंगे, प्लेटफॉर्म कवर होगा और ऊपर में लाउंज का भी निर्माण किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के पूर्व और पश्चिम की ओर डिपार्चर हॉल को जोड़ने वाला एक रूफ प्लाजा होगा, जिसमें सभी जाने वाले यात्रियों के लिए एक कॉमन वेटिंग एरिया होगा। इससे यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा। सिटी में अधिकतर उन सड़कों पर बिजली के पोल बीच में आ जाते हैं जहां सड़कों का चौड़ीकरण और सीमेंटीकरण किया जा रहा है। पहले ये पोल सड़कों के किनारे होते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक ही बीच सड़क पर आ जाते रहते हैं। मतलब सड़कों का तो कल्याण किया जा रहा है, मगर इसके साथ इन बिजली के खंभों को किनारे करने के कार्य में घोर उदासीनता बरती जा रही है। इससे विभागों के बीच समन्वय या फिर विकास कार्य का पूर्ण नियोजन का अभाव कहा जा सकता है। होना तो ये चाहिए कि सारे कार्य साथ साथ हो तो नागरिकों को सुविधाओं का सहज लाभ भी हो। उल्टे ये हो रहा है कि सड़कों का चौड़ीकरण से जो बिजली के पोल बीच में आ रहे हैं वे वाहन चालकों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं।
झिंगाबाई टाकली से बोखारा की ओर जाने वाली रोड का सीमेंटीकरण व चौड़ीकरण का कार्य हुए लगभग एक वर्ष हो रहा है। इस रोड पर दोनों साइड के बिजली के पोल लगभग बीच सड़क पर ही आ गए हैं। बीच सड़क पर आ गए बिजली के ये पोल दुकानदारों और बोर्ड लगाने के काम आ रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी ने की थी। 1 जुलाई से शुरू हुए अभियान में 2 से 3 दिनों तक कई जगहों पर छापेमारी कर इसे कारगर रूप देने का प्रयास हुआ, लेकिन अब अभियान के नाम पर आम कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिटी के 10 जोन में घूमने के बाद दस्तों की ओर से केवल 17 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकी है, जबकि प्रत्येक जोन में कई तरह के बाजार और व्यापारिक परिसर है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक जोन में तैनात उपद्रव शोध दल में 10 के करीब कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार एनडीएस दस्तों ने 2 दिन पहले अवकाश होने के बावजूद रविवार को भी कार्रवाई की थी, किंतु अब दिन ब दिन कार्रवाई में ढिलाई आने का नजारा है। बुधवार को हुई कार्रवाई का आलम यह था कि गांधीबाग जोन में 5 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई को छोड़ दिया जाए तो हर जोन में केवल 1 या 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। जूनी मंगलवारी मट्टीपुरा परिसर में पिछले 12 दिनों से गटर लाइन चौक है, कई घरों की लाइन भी चौक है। ये समस्या मनपा के सहायक आयुक्त, उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आरोग्य अधिकारी की उपस्थिति में समाज सेवक विनोद इंगोले ने बताई। ये लाइन दुरुस्त न होने के कारण यहाँ नई लाइन डालने की मांग परिसर के नागरिकों ने की है। इस अवसर पर मुरलीधर जीवनापुरकर, विजय जीवनापुरकर, अज्जू वासनिक, दुर्गादास देशमुख, सुधीर बाग, नरेंद्र येलने, मुकेश जीवनापुरकर, पुष्पा मौदेकर, चंद्रकला जीवनापुरकर, रत्नाबाई मौदेकर, सुशील भिशिकर, पुरुषोत्तम हेड़ाऊ, रवि येलने, नरेंद्र बोथलीकर, वासुदेव मौदेकर, भास्कर पौनीकर, जावेदर शाहू आदि उपस्थित थे। नागपुर जिले में कोरोना की तीव्रता एक समान बनी हुई है। रोजाना 100 के आसपास मरीज पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं। बुधवार को 1854 सैंपलों की जांच में से 96 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के 64 मरीज तथा नागपुर ग्रामीण के 32 मरीजों का समावेश है। इन्हें मिलाकर जिले में अब कोरोना के 615 एक्टिव केसेस हो गए हैं। वहीं पिछले दिनों इस चौथी लहर में नागपुर ग्रामीण में पहली मौत भी हुई है। इसी प्रकार जिले में 62 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिनमें 42 शहरी, 20 ग्रामीण मरीजों का समावेश है। एक दिन में 1854 सैंपलों की जांच हुई है। जिले में मौजूद 615 एक्टिव केसेस में नागपुर शहर के 420 केसेस व नागपुर ग्रामीण के 195 केसेस का समावेश है, जबकि नागपुर जिले के बाहर का कोई एक्टिव केस शहर में नहीं है। इसी प्रकार अभी तक जिले में 5,68,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और स्वस्थ होकर घर पहुँचे हैं। इनमें नागपुर शहर के 3,94,000 मरीज, नागपुर ग्रामीण के 1,66,000 मरीज तथा नागपुर जिले के बाहर के 10,000 मरीजों का समावेश है। नागपुर जिले में अभी तक 5,80,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र राज्य के नवपदस्थ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रथम नागपुर आगमन पर समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास के मार्गदर्शन में संस्था के पदाधिकारियों ने उन्हें मिठाई खिलाकर व पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के सचिव नरेश जुम्मानी द्वारा निःशुल्क मेडिकल बैंक की जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल बैंक के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, समिति उपाध्यक्ष जेठानंद खंडवानी एवं प्रवीण जुम्मानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आस्ताना ए आलिया हमीदिया ख्वानकाह में जश्ने औलिया मनाया गया, जिनमें इराक से पधारे हजरत फजीलतुश शेख अल सैयद अब्दुल लतीफ अल सोली अल कादरी अल हुसैनी ने कहा, इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। आज मुसलमानों की शक्लों में बहरूपीय बनकर जो लोग तबाही मचा रहे हैं, वे अपने निजी स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी मजहब एकता, भाईचारे, सद्भाव की शिक्षा देता है। डॉक्टर सैयद शाह जाकिर पीर साहब ने भी मजलिस को संबोधित किया। सलीम चिश्ती, बिस्मिल्लाह शान सैयद आबिद अली शाह के नेतृत्व में खानकाहे हमीदिया के मुरीदीन कलम में आयोजित जश्ने औलिया सम्मेलन में शामिल हुए। औलिया सम्मेलन में विशेष अतिथि बतौर इराक से पधारे हजरत फजीलत शेख को नागपुर आने का निमंत्रण दिया गया। अजमत खान, अलीम धरती, अब्दुल अमानी कुरैशी, सैयद शजनाश अली, सैयद समीर अली, सैयद इरफान अली शाह जश्ने औलिया सम्मेलन में उपस्थित थे। आस्ताना ए आलिया हमीदिया ख्वानकाह में जश्ने औलिया मनाया गया,
जिनमें इराक से पधारे हजरत फजीलतुश शेख अल सैयद अब्दुल लतीफ अल सोली अल कादरी अल हुसैनी ने कहा, इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। आज मुसलमानों की शक्लों में बहरूपिये बनकर जो लोग तबाही मचा रहे हैं, वे अपने निजी स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी मजहब एकता भाईचारे सद्भाव की शिक्षा देता है। डॉक्टर सैयद शाह जाकिर पीर साहब ने भी मजलिस को संबोधित किया। सलीम चिश्ती, बिस्मिल्लाह शान सैयद आबिद अली शाह के नेतृत्व में खानकाहे हमीदिया के मुरीदीन कलम में आयोजित जश्न औलिया सम्मेलन में शामिल हुए। औलिया सम्मेलन में विशेष अतिथि बतौर इराक से पधारे हजरत फजीलत शेख को नागपुर आने का निमंत्रण दिया गया। अजमत खान, अलीम धरती, अब्दुल अमानी कुरैशी, सैयद शजनाश अली, सैयद समीर अली, सैयद इरफान अली शाह जश्न औलिया सम्मेलन में उपस्थित थे। मध्य रेल के नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के नेतृत्व में सेंट्रल रेलवे गैर किराया राजस्व को बढ़ाने के लिए नई अवधारणाओं का पता लगाने और लागू करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। फिर से स्टेशन को ब्रांडिंग अनुबंध के लिए कई अनुबंध देने के लिए भारतीय रेलवे में सेंट्रल रेलवे पहला मंडल है। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के स्टेशन सह ब्रांडिंग पर नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए। रेलवे परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ई नीलामी मोड के माध्यम से सभी वाणिज्यिक गैर किराया राजस्व परिसंपत्तियों के पुरस्कार के संबंध में नीतिगत दिशा निर्देश भी जारी किए। मध्य रेल के नागपुर मंडल ने 4 और 5 जुलाई को ई नीलामी के लिए 54 स्टेशनों के पहले बैच को स्टेशनों को मिलाकर 4 समूह में निर्धारित किया और भाग लेने वाले ब्रांडों के लिए खुली बोली लगाने की पेशकश की। शहर स्थित आयुर्वेद मेजर श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन और सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालय जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय ने क्रमशः 10 रेलवे स्टेशनों और 44 रेलवे स्टेशनों को प्रतिस्पर्धी नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में प्राप्त किया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।